तो गाइस फाइनली अभी हम लोग मुक्तिनाथ पहुंच चुके हैं। कल पहुंच गए थे एक्चुअली, सुबह हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, इसका नाम है शुभम, मेरा नाम भी शुभम है और हम लोग निकलने वाले अभी मुक्तिनाथ दर्शन के लिए। यहां से 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो यार यहां पे ऐसा है कि यहां पे देखो बाहर वैसे धूप निकली हुई पर फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, तो हमने जैकेट डाला है, मैंने स्वेटशर्ट डाला है। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं 7 बजे दर्शन के लिए, मंदिर खुल जाता है तो अभी 7:30 हो रहे हैं, तो हम लोग फटाक से निकलते हैं। बाइक से जा रहे हैं, एक बाइक पे 2 बंदे बिल्कुल। और यहाँ से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ बाहर से कैसा है, एक बार आ जाओ साथ में। तो यार यहाँ पे व्यूज कुछ ऐसे है जैसा कि अभी आप देख सकते हो, मतलब क्लाउड्स यार बहुत ही पास लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्लाउड्स बिल्कुल हमारे नीचे हैं। यहाँ मतलब मेरे राइट साइड में अगर आप देखोगे तो क्लाउड बहुत ही नीचे लग रहे हैं। अल्टीमेट व्यूज है, अल्टीमेट नज़ारे हैं। तो यार अभी हम लोग निकल रहे हैं सीधा मंदिर के लिए, टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं, व्यू बहुत ही अमेजिंग है। तो यार चलते हैं अभी और फिर मिलते हैं आपको आगे सीधा बाइक्स पे। निकल चुके हैं हम लोग मंदिर के लिए। जाने को आप यार पैदल भी जा सकते हो, अपने व्हीकल के थ्रू भी जा सकते हो बाइक वगैरह से, या फिर यहाँ पे यार घोड़े मिलते हैं आपको जाने के लिए, जो कि 300 रुपीज लेते हैं ना, 300 नेपाली। ये छोटे छोटे आपको घोड़े आ रहे हैं, देखो ये सारे अभी ऊपर से आ रहे हैं एक्चुअली। चेक कराना, यहाँ पे अभी हम लोगों ने फिर से एक ऐप वाला परमिट चेक करवाया मुक्तिनाथ में, और अगर आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पे डबल चार्जेस है कि आपको बनवाना भी पड़ेगा। चलो फिर यहाँ पे मैंने बाइक लगा दी है, इससे आगे जाने थोड़ा टफ लग रहा था, चलते हैं अभी पैदल। और पीछे का अगर आप एक बार व्यू देखोगे तो यार अल्टीमेट वाला गजब वाला व्यू है, मतलब नो वर्ड्स, देखो एक बार। तो यार ये देख लो, ये है नज़ारे, और यहाँ मुक्तिनाथ का जो है ट्रैकिंग हमने स्टार्ट कर दिया। ऊपर आप देखोगे तो आपको घंटियों की आवाज़ भी आ रही होगी। तो यार निकल चुके हैं हम लोग मंदिर के लिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आई थिंक 300 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ से आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on तो यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ मुक्तिनाथ टेम्पल। ये देखो बोर्ड आप देख सकते हो, वेलकम टू मुक्तिनाथ टेम्पल हो चुका है, और अभी कराते हैं आपको मंदिर के दर्शन। मंदिर कैसा है, क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं आपको दिखाते हैं। तो यार अभी मेरे पीछे है मुक्तिनाथ जी का मंदिर। तो यार अभी हमारे दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे बहुत ही विशाल दर्शन हुए, बहुत ही मज़ा आया। एक्चुअली ये बताया जाता है कि ये विष्णु देव जी का मंदिर है, 500 साल पुराना मंदिर है, उससे भी पहले इसको पूजा जाता था, और यहाँ पे मंदिर 500 साल पहले बना है, राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई है बिल्कुल। और यहाँ पे 108 धाराएं है, जो कि बताया जाता है कि यार यहाँ पे 108 नदियों का पानी आता है, और अगर आप यहाँ पे स्नान कर लेते हो, नहा लेते हो, तो आपको
उन सारी जगह पे जाने की नीड ही नहीं है। अरे आपको एक बार धाराएं दिखाते हैं, देखो एक बार, एंजॉय करो, मजा आएगा। तो यार मैंने बोला भाई एक बार ही आए हो, फिर पता नहीं कब आओगे। नहा लो जाके यार, कम से कम पाप तो सारे हट जाएंगे। तो भाई देखो यार, भाई एकदम पूरा बॉडी वॉडी शो ऑफ कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। चलो हर हर महादेव। क्या बोलना, हर हर महादेव। भाई साहब, मतलब ऐसा कुछ है कि सिर में दर्द हो गया यार, इतना ठंडा पानी है। फिर 108 धाराओं के बाद बारी है इस कुंड की। इसमें एक्चुअली तीन बार आपको डुबकी लगानी होती है। कुंड है ये, पाप कुंड। पाप कुंड में आपको तीन बार डुबकी लगानी है, उसके बाद आपके सारे पाप गायब। और वहाँ उसकी स्टोरी आगे बताता हूँ। ठंडा बहुत ठंडा पानी है यार, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो यार बाप बारी है पुण्य कुंड की, कान में पानी जा चुका है, थोड़ा पुण्य भी कमा लिया जाए। यार लिटरली एक चीज बताता हूँ, मेरे पैर ना ऐसे कांप रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है। तो भाई कैसा लगा तेरे को? बस भाई भोलेनाथ की कृपा थी जो यहाँ तक पहुँच गए और सारे पाप धुल गए। हर हर महादेव। अभी दर्शन हो गए हैं, स्नान हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। और ये है एक्चुअली विष्णु देव जी का मंदिर है ये। काफ़ी लोग बता रहे थे, काफ़ी लोगों में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन था कि ये भोलेनाथ का मंदिर है या ऐसा कुछ, इसीलिए यहाँ पे मुक्ति नारायण इनका नाम दिया गया है। पाप कंट्रोल प्लस जेड हो गए, पाप भी जा चुके हैं, पुण्य भी आ चुके हैं। तो यार अभी अपने को एक भाई मिले हैं, नाम क्या है ब्रदर आपका? मेरा आशीष है भाई। तो यार ये इन्होंने देखा कि हम लोग व्लॉग बना रहे थे, ये आए कि आप व्लॉग बना रहे हो, इन्होंने थोड़ा सा पूछा। एक्चुअली मुझे आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी, यहाँ पे काफी सारी धाराएं हैं जैसा कि यहाँ पे बता रहे थे, इनके बारे में थोड़ा सा बताओगे ऑडियंस को भी क्या है ये? ये इधर टोटल 108 धारा है। 108 धारे में स्नान करके वो दो पोखरी में स्नान करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। जो आपका पाप है ना, जितने भी पाप किया हुआ है वो सब धुल जाएगा। ठीक है। तो ये भाई का ब्लॉग का भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देगा, सब कुछ कर देना। अभी आज मैं अभी जाकर होटल में जाकर ये भैया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। बोन भाई कर, देखो हर जगह फैल रहा है। थैंक यू ब्रदर, आप मिले। थैंक यू। नाम क्या आपका? प्रसंग राम है। तो आप नेपाल से हो ना शायद? नेपाल से है। तो आपका तो परमिट नहीं लगता होगा, आप तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो, है ना? तो यार अभी अपने को एक और भाई मिले हैं। ब्रदर आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण बाबू सुनार है। एक्चुअली इन्होंने अपने को कहाँ पे देखा था? तातो पानी में। इन्होंने अपने को तातो पानी में देखा, इन्होंने बताया कि 250 और 390 ड्यूक पे आप लोग आए हो। तो एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही आए हैं, मतलब रिजेम्बलेंस देखो हम लोगों की कहाँ कहाँ पे हो रही है और कहाँ कहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं। थैंक यू ब्रदर मिलके, आपसे बहुत अच्छा लगा। मुझको भी बहुत अच्छा लगा। तो यार ये था मंदिर मुक्तिनाथ जी का, विष्णु भगवान जी का। आज की वीडियो में यही था यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट, ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ आपके सामने। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बूम।